आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर वन होगा। क्वेश्चन नंबर टू में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, DMU। उसके साथ हम एजम्पशन, एक्सेप्शन और लिमिटेशन तीनों डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो मैंने लेक्चर वन अपलोड किया है, उसमें मैंने लेक्चर वन में डिस्कस किया था यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, उसके फीचर्स एंड टाइप्स। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिए और वो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद ही ये लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट लेक्चर समझ में आएगा तो ही आपको सेकंड आएगा। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप सेकंड लेक्चर नहीं कंप्लीट कर सकते। इसके लिए आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, ओके। और ये इसका जो नोट्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इजीली लिख सकते हैं। या तो फिर अभी जब मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ तो आप ऐसा फील कीजिए कि मैं आपका लेक्चर्स ले रहा हूँ, आप क्लास में बैठे हैं, आप नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप लिखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, तो आपको याद भी हो जाएगा इस वीडियो को एंड होते होते तक, राइट। चलो अब देखो, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये बेसिकली एग्री डिसएग्री टाइप के क्वेश्चंस में आता है, ठीक है, या शॉर्ट नोट लाइक शॉर्ट नोट टाइप के क्वेश्चंस में आता है, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना होता है कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ओके। तो अगर एग्री डिसएग्री में आएगा तो पूछ सकता है कि देर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, या ऐसे पूछ सकता है देर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो आप बोलोगे एग्री या डिसएग्री, डिपेंड क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, बट आंसर हमको सेम लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन करना है टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन, मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सिम्बॉलिकली, ओके। ये सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपको टोटल यूटिलिटी क्या होता है, आपने फर्स्ट लेक्चर देखा रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा, वापस से मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, टोटल यूटिलिटी मतलब ये होता है कि जब एक कंज्यूमर सभी कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो उसको यूटिलिटी मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने 7 समोसा रखा है, ठीक है। अब आपने 7 समोसा कंज्यूम किया, अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो मज़ा आपको फर्स्ट समोसा खाने में आ रहेगा वो सेम सेटिस्फेक्शन लास्ट वाले समोसे खाने में मज़ा रहेगा, राइट। कम ज़्यादा होगा, आपने पहला खाया बहुत अच्छा लगा, दूसरा खाया तो भी अच्छा लगा, तीसरा खाया तो, जैसे जैसे आप खाते गए वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जो था, आपके जो प्लेजर था, वो क्या धीरे धीरे कम होते गए, है ना। लेकिन सबका मिला के जो आपको मिला सेटिस्फेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, समझ में आया। आपने 7 समोसा खाए और आपको 7 समोसा खाने के बाद टोटल कितना मिला आपको सेटिस्फेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी, ओके। मार्जिनल मतलब, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल और एक्स्ट्रा। तो जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है, जब कंज्यूमर एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करता है और उस एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर जब करता है, उस एक्स्ट्रा यूनिट से जो उसको यूटिलिटी मिलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसा मानिए कि आपने 7 समोसा खाया, 7 के बाद फिर एडिशनल 8वां भी खाया, तो 8वां समोसे का जो खाने के बाद जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला रहेगा, उस सेटिस्फेक्शन को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी का n मतलब नंबर ऑफ यूनिट, टोटल यूटिलिटी n नंबर ऑफ टोटल यूटिलिटी माइनस एन माइनस वन, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब उसके बाद आपने ये इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको डायरेक्टली टेबल बनाना है। यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा है, ठीक है। टेबल में यूनिट ऑफ एक्स दैट इज कमोडिटी जो है वो 7 कमोडिटी दी गई है, ठीक है। उसके बाद फिर ये टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये टेबल को समझना कैसे है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये टोटल यूटिलिटी को आप नहीं भी याद रखोगे तो भी आप ये टेबल बना लोगे, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जब कंज्यूमर पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसका टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या था, सेम था। लेकिन जब कंज्यूमर सेकंड मतलब एडिशनल कंज्यूम किया सेकंड यूनिट, तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी 10 से क्या हो गया, 8 हो गया। और जब थर्ड कंज्यूम किया, थर्ड यूनिट कंज्यूम किया, ऐसा मान लीजिए कि ये क्या है, मैंगो है, तो जब तीसरा मैंगो कंज्यूम किया तो यूटिलिटी क्या हो गया, 8 से 6 हो गया। अब आप रियल में सोच के देखिए कि जब आप पहला आम मैंगो कंज्यूम किया, जब आपने पहला आम खाया था तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला था, इसके लिए यहाँ पे 10 है,
जब आपने दूसरा खाया तो क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया, जब आपने तीसरा खाया थोड़ा सा और कम हो गया, और जब एडिशनल आपने तीसरे का चौथा खाया फिर पांचवा खाया, तो वैसे वैसे आपका क्या हो गया, मन भरते गया, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या हो गया, एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, राइट? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब जब कंज्यूमर एडिशनल कंज्यूम करता है, फर्स्ट सेकंड खाया मतलब एडिशन किया, सेकंड के बाद जब थर्ड खाया मतलब एडिशन किया, थर्ड के बाद जब फोर्थ खाया मतलब एडिशन किया, जब जैसे जैसे वो एडिशनल करते जाता है वैसे वैसे उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कम होते जाता है, और बाद में वो लास्ट में नेगेटिव हो जाता है। आप रियल खुद सोच के देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, राइट? और जो टोटल यूटिलिटी है उसका समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, अब ये मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी बन जाएगा, है ना? आपने 7 कंज्यूम किया, इससे जो आपको यूटिलिटी मिला उसी को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। कैसे, देखो 10 का 8, 10 टू, पहले तो 10 रहेगा, ठीक है? अब 10 में अगर आप 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 में अब आप 6 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में आप 4 ऐड करोगे तो 28 हो जाएगा। 28 में 2 ऐड करोगे 30। तो टोटल यूटिलिटी समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? तो जो आपने 7 कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिला वो टोटल यूटिलिटी होता है, और मार्जिनल में क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट को हम लोग देखते हैं कि आपने एडिशनल जैसे कंज्यूम करते गए वैसे वैसे आपका यूटिलिटी क्या हो गया, वो जो होता है उसको मार्जिनल, वो डिक्रीज होता गया। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। डिक्रीज होना ये जरूरी नहीं है, मार्जिनल यूटिलिटी में क्या होता है, जो ईच एडिशनल यूनिट से जो हम लोग को यूटिलिटी डिराइव मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसी को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ओके, तो ये आपको टेबल एक्सप्लेन करना। अब इसमें आपको रिलेशनशिप क्या दिख रहा है, रिलेशनशिप ये है कि जैसे जैसे आपका टोटल लाइक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हो वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, और पॉजिटिव से जीरो आ रहा है, जीरो से क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। लेकिन टोटल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो था तो इस टाइम पे देखो टोटल यूटिलिटी क्या था, मैक्सिमम था। ये चीज़ आपको याद रखनी है जब आप एक्सप्लेन करोगे, है ना? टेबल समझ में आ गया। अब जब टेबल समझ में आ गया तो आप डायग्राम भी इजिली एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं इस टेबल को देख के मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में एक डायग्राम एक्सप्लेन करके बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप खुद से एक्सप्लेन कर सको। देखो ये क्या है, मेरा x एक्सेस है, ये मेरा क्या है, y एक्सेस है, ठीक है? ये मेरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो x एक्सेस मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा 1, 2, 3, 5, क्योंकि ये मेरा नंबर ऑफ यूनिट है। क्या है, नंबर ऑफ यूनिट, जो यूनिट x है ना, नंबर ऑफ यूनिट, ये मैंने 1 से लेके 7 तक लिख दिया, ठीक है? याद रखो ये जो गैप होता है 1 से 2, 2, 3, ये सबका गैप थोड़ा सा सिमिलर हो, ठीक है? ऐसा आप जरूरी नहीं ग्राफ जैसे मैप में मेज़र करते हो, बट ऐसे रखो कि एटलीस्ट ज़्यादा गैप ना रहे, उससे डायग्राम आपका बराबर बनेगा, ठीक है? फिर ये वाई एक्सिस क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है और टोटल यूटिलिटी है। तो इसमें मैं लिखता हूँ 4, फिर उसके बाद जो है 4 से 8, फिर 12, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 20, क्योंकि चार चार का गैप मैं ले रहा हूँ, ठीक है? फिर 24, फिर 28, ऐसा करके मैं 30 तक लूँगा, ठीक है? मैं थोड़ा सा बताता हूँ ताकि आप इजिली बाकी आप बना देना, ठीक है? और डायग्राम बनाने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना, ठीक है? मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल। जब मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 10 था। तो मैंने फर्स्ट कंज्यूम किया, 8 और 12 के बीच में आएगा 10, राइट? तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, ये पॉइंट हो गया। जब मैंने सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 8 था। तो मैंने जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, 8। तो ये इसके सामने मैं ऐसे करके बनाऊंगा, ठीक है? ये मेरा 8 हो गया, ओके? अब उसके बाद जब मैंने थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी 6 हो गया। तो ये जब थर्ड कंज्यूम किया तो 8 और 6 इसके 8 और 4 के बीच में मेरा क्या रहेगा, 6 रहेगा यूनिट, ठीक है? जब मैंने फोर्थ कंज्यूम किया तो मेरा 4 हो गया, तो ये 4 इस पे हो जाएगा, राइट? जब मैंने फिफ्थ कंज्यूम किया तो फिफ्थ पे कितना है, 2 है, तो मेरा यहाँ पे जो है इस साइड में आ जाएगा ऐसा। जब सिक्स मैंने कंज्यूम किया तो मेरा यहाँ पे 0 हो गया। फिर उसके बाद जब मैंने सेवन्थ किया तो क्या हो गया, -2 हो गया। तो ये क्या हो गया, -2, ये इधर पे आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से मेरा कर्व क्या होता है, इस तरीके से, मतलब ये स्टेट बनेगा। अगर आप स्केल से करोगे तो आपका एकदम स्टेट बनेगा, सेम टू सेम ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी का क्या बनेगा, ऊपर बनेगा। ये MU का है, MU कर्व, ठीक है? तो आप इजिली क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट?
तो इस तरीके से क्या करना है आपको, डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब इसको डायग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल चीज़ें आपको याद रखनी है। जब आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हो, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना है, देखो सबसे पहला पॉइंट, ये बुक में भी आपको इजी लैंग्वेज में नहीं लिखा रहेगा, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। वाई एक्सेस क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, ठीक है। आप शॉर्ट में मत लिखिए, फुल में लिखिए। वाई एक्सेस शोइंग टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। एक्स एक्सेस क्या शो कर रहा है, यूनिट नंबर ऑफ कमोडिटी, है ना। और टी यू कर्व क्या शो कर रहा है, टोटल यूटिलिटी कर्व। एम यू कर्व क्या शो कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है कि जब कंज्यूमर ने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो जो टोटल यूटिलिटी था और जो मार्जिनल यूटिलिटी था दोनों क्या था, सेम था। एंड वेन, ये आपका पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस फर्स्ट पॉइंट में, वेन कंज्यूमर कंज्यूम सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजिंग फ्रॉम 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2 एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 16 to 18, ठीक है। 18 से जैसे 28 हो गया, 30 हो गया, है ना। इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये आपको सेकंड लाइन में लिखना है। वापस मैं रिपीट करता हूँ, वेन कंज्यूमर कंज्यूम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी सेम। जब कंज्यूमर थर्ड सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। 10 से 8 हो गया, 8 से क्या हो गया, 6 हो गया, 6 से क्या हो गया, 4 हो गया, 4 से 2 हो गया। और मार्जिन टोटल यूटिलिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 10 से क्या हो गया, 18 हो गया, 18 से क्या हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से क्या हो रहा है, 28 हो रहा है, 28 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है, 30, है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, मार्जिनल टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है। जब कंज्यूमर, थर्ड पॉइंट आपको क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है जब कंज्यूमर ने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया, जब कंज्यूमर ने सिक्स्थ यूनिट कंज्यूम किया तो जो मार्जिनल यूटिलिटी था वो क्या हो गया, जीरो हो गया। मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एंड टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम। ये पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम है। टोटल यूटिलिटी का ये पॉइंट पे मैक्सिमम है। जब कंज्यूमर ने सिक्स यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो एंड टोटल यूटिलिटी बिकम मैक्सिमम। ये आपका इस पॉइंट में आना चाहिए। और ये पॉइंट क्या डिनोट कर रहा है, कंज्यूमर फुली सेटिस्फाइड है इस पॉइंट के बाद, मतलब यहाँ पे आप फुली सेटिस्फाइड। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। मतलब आपका मन नहीं है, आपको कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा, फिर भी आप वो चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। और अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो ज़्यादा खाली है तो वोमिटिंग कर देगा, ऐसा है तो नेगेटिव में चला जाता है। मतलब अपना सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, नेगेटिव में चला जाता है, राइट। उस तरीके से ये रियल में आप सोच के देख सकते हो। इस तरीके से क्या करना है, आपको डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ओके। और ये अबाव डायग्राम में क्या शो कर रहा है, अबाव डायग्राम ये भी बता रहा है कि टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव होता है। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है, ओके। अच्छे से समझा, ओके। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, तो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है। तो इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नोट्स का, आप वहाँ पे जाके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, जो काफ़ी इजी लैंग्वेज है, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज DMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले जब भी आप एक्सप्लेन करो तो सबसे पहले आप उसका क्या आता है, इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद ही स्टेटमेंट आता है। तो इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ इतना इंक्लूड करना है कि वो जो लॉ है उसका किसने इंट्रोड्यूस किया है और उसका एक्चुअल मेन लाइन, मतलब उसका पर्पस क्या है, ओके। वो किसके बारे में बता रहे हैं, वो चीज़ होता है इंट्रोडक्शन। देखो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था, प्रोफेसर गॉसन ने यूज़ किया था, ओके। उसके बाद जो है प्रोफेसर डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने क्या किया, ये इकोनॉमिक्स थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक इंट्रोड्यूस किया, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो पब्लिश हुई थी 1890 में। और उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, डिटेल में एक्सप्लेन किया था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में। ये आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल किसके बारे में, ये इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड किसके ऊपर बेस्ड है, कॉमन कंज्यूमर के ऊपर बेस है, कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर बेस है, ठीक है।
कंज्यूमर यूटिलिटी जो डिराइव फ्रॉम डिमिनिश विद द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट्स। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर है जिसका यूटिलिटी डिपेंड होता है अर्जेंसी के ऊपर, कितना अर्जेंट है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट में। अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होगी तो उस टाइम पर यूटिलिटी आपको बहुत ज़्यादा है, अगर आपको ज़रूरत कम होगी तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी, उसके ऊपर बेस है। ओके और आप यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हो कि डिमिनिशिंग मार्जिन एंड यूटिलिटी बेस है कंजम्पशन प्रोसेस के ऊपर। किसके ऊपर? कंजम्पशन प्रोसेस के ऊपर, जो एक्सप्लेन करता है कि जब कंज्यूमर कंटिन्यूसली कंज्यूम करता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। ओके ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद आपको जो है स्टेटमेंट एक्सप्लेन करना है। ओके अब स्टेटमेंट में आप क्या एक्सप्लेन करोगे, स्टेटमेंट में आपको जो है यहाँ पे आप समझिए कि ऐसा डेफिनेशन है, ठीक है, तो आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है। तो डेफिनेशन में आपको क्या है, जो वर्ड टू वर्ड है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसका मीनिंग आपको समझना है सिर्फ। अगर आपको मीनिंग समझ गया तो आप इजिली एक्सप्लेन करोगे। देखो, अकॉर्डिंग टू अल्फर्ड और प्रोफेसर मार्शल अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये है कि जितने भी अजम्पशन होंगे, जितने भी अजम्पशन है, वो सारे अजम्पशन क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। किसको छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी को छोड़ के। ओके सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट मार्जिनल यूटिलिटी, जितने सारे फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब उसको अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इसके लिए इसको हम लोग अदर थिंग बींग इक्वल अदर थिंग रिमेन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या बोलता है, द एडिशनल बेनिफिट, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो पर्सन को कब मिलता है, डिराइव करता है कब, जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेगा। तो उसी को एडिशनल यूनिट कंज्यूम को इन्होंने क्या लिखा है, गिवन इंक्रीज इन हिज स्टॉक, मतलब जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है, और उस जब एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो आपने देखा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिमिनिश होता है। तो डिमिनिश विथ एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ स्टॉक दैट ही इज ऑलरेडी हैज। इसका सिंपल मीनिंग है कि जब कंज्यूमर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो यूटिलिटी है वो क्या होता है, डिमिनिश होता है, और जैसे जैसे एडिशनल एक्स्ट्रा कंज्यूम करता जाएगा वैसा वैसा उसका यूटिलिटी क्या होता है, कम होता जाता है। कैसे, डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। देखो, पहला यूनिट कंज्यूम किया 10 था, दूसरा जैसे जैसे एडिशनल हो लास्ट में क्या हो गया, -2 हो गया। तो जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल, उसको एडिशनल यूनिट को इन्होंने क्या लिखा है कि स्टॉक लिख दिया, इंक्रीज इन स्टॉक, ठीक है, वो डेफिनेशन है। तो उसको अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपने को मीनिंग समझ में आ गया तो अपन इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। लॉ ऑफ डीएमयू जो एक्सप्लेन करता है वो इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ रेशनल कंज्यूमर। व्हाट इज रेशनल? रेशनल बेसिकली नॉर्मल कंज्यूमर के ऊपर और एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के ऊपर, वो उसके ऊपर बेस है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है। और ये बताता है कि जैसे कंज्यूमर मोर एंड मोर जैसे कंज्यूम करते जाएगा कंटिन्यूसली, तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, ठीक है। मीन्स आफ्टर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी डिक्रीज द सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। जैसे मैंने आपको बताया, समोसे कंज्यूम करते जाओगे तो लास्ट समोसा जब खाओगे तो जो फर्स्ट समोसे खाने में जो खुशी मिली थी वो सेटिस्फेक्शन लास्ट समोसे खाने में नहीं मिलेगा, डिफरेंस। ओके अब ये टेबल है, टेबल को ऑलरेडी मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया, तो वो सेम टू सेम इसमें भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सेम एक्सप्लेनेशन भी आपको सेम उसी तरीके से एक्सप्लेनेशन भी देना है। अब हम डिस्कस करते हैं एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। व्हाट इज एजम्पशन? एजम्पशन मतलब ये होता है कि आपने मान लो कि ये जो मॉडल है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए हमको अज्यूम करना, मानना है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे होगी तभी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लीकेबल होगा? जब ये सारी चीज़ें क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, ये चीज़ अज्यूम करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, अजम्पशन मतलब वो रियल में पॉसिबल हो या ना हो, उससे हमको नहीं देखना है, ये चीज़ हमको देखना है कि इन्होंने क्या क्या अजम्पशन में रखा है, मतलब क्या क्या चीज़ें माना है कि सारी चीज़ें सेम होगी, रियल में तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अजम्पशन मतलब आप अज्यूम करो, मान लो ऐसा कि ये सारी चीज़ें क्या सेम है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोलता है, रेशनैलिटी। व्हाट इज रेशनैलिटी? जो कंज्यूमर है वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल पर्सन होना चाहिए। तो जब नॉर्मल पर्सन होगा वो अगर कंज्यूम करेगा तो एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो होगा कि नहीं होगा, जीरो जीरो। तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुआ कि नहीं जीरो हुआ, तो अप्लीकेबल हो गया। अगर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो नहीं होता था तो अप्लीकेबल नहीं होता। मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो गया ना, क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूसली कंज्यूम किया, एक ऐसा लेवल है जहाँ पे वो क्या हो गया, उसका मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो गया, इसके लिए उसका क्या हो गया, अप्लीकेबल है। ओके जैसे मैं डायग्राम में आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, एक ऐसा लेवल आया जहाँ पे वो क्या हो गया, जीरो हो गया ना। तो जब जीरो हो गया मतलब क्या हुआ, ये जो
मॉडल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, तो इसके लिए क्या अप्लीकेबल है। ओके, पहला। दूसरा पॉइंट, कार्डिनल मेजरमेंट। अब जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये अज्यूम किया कि जो यूटिलिटी है, मतलब जो सेटिस्फैक्शन है, उसको हम लोग नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। मुझे बताओ, रियल में पॉसिबल है क्या? आपको मैंने एक गिलास पानी पिलाया, बोला कि अरे पीने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन मिला, चार मैंने ये लेक्चर आप सुन रहे हो, मैं पूछूंगा कि आपको कितना कितना सेटिस्फैक्शन मिला, कितना आपको समझ में आया, तो आप बोलोगे दो समझ में आया, तीन समझ में आया, चार समझ में, ऐसा पॉइंट आप बोल सकते हो दो तीन, लेकिन ऐसा नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते, नहीं, आप सिर्फ जाहिर कर सकते हो अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, अज्यूम किया है कि नंबर्स को हम लोग मेज़र कर सकते हैं, दैट मीन्स एक गिलास पीने के बाद हमको 10 सेटिस्फैक्शन मिला, ऐसा हम बोल सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डीएमयू। ओके, सो कार्डिनल मेजरमेंट मतलब लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लीकेबल है, जब हम उसको नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं तब अप्लीकेबल है। होमोजेनिटी, व्हाट इज होमोजेनिटी, होमोजेनिटी बेसिकली मींस जो कंज्यूमर कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ साइज, इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ टेस्ट और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तभी क्या होगा, लॉ ऑफ अप्लीकेबल होगा, तभी क्या होगा, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लीकेबल होगा। ओके, कंटिन्यूटी, लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लीकेबल है, जब कंजम्पशन प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, जब कंजम्पशन प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, तभी अप्लीकेबल है। अगर कंजम्पशन प्रोसेस कंटिन्यूअस नहीं होगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मतलब यही है कि जब कंटिन्यूअस होगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर कंटिन्यूअस नहीं, आप सुबह में खा रहे हो, दोपहर में खा रहे हो, इंटरवल गैप लेके खा रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, तो आप कितना भी खा सकते हो, लेकिन अगर मैं बोलूँ 10 एप्पल आप एक साथ खाओ, कंटिन्यूअस खाओ, तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर आप गैप लेके खाओगे तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल जीरो कभी भी नहीं होगा, है ना। तो अप्लीकेबल कब है, जब कंटिन्यूस है। ओके, अगर अप्लीकेबल, अगर कंटिन्यूस नहीं रहेगा तो अप्लीकेबल नहीं है, मतलब ये जो मॉडल है वो प्रूफ नहीं कर पाएगा, ये चीज़ अप्लाई नहीं होगा, फिर उस जगह अप्लाई नहीं होगा। रीजनेबल, रीजनेबिलिटी बेसिकली ये होता है कि जो कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो वो कमोडिटी क्या होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नॉट टू बिग नॉर टू स्मॉल, दैट मीन्स ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। आप अगर बाल्टी से पानी पियोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, स्पून से, चम्मच से आप पियोगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड साइज क्या है, अ ग्लास ऑफ वाटर। ओके, तभी क्या है, अप्लीकेबल है। लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लीकेबल है, जब प्रोडक्ट का साइज क्या है, रीजनेबल है। कंसिस्टेंसी बेसिकली मतलब होता है कॉन्स्टेंट, वॉट इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या होता है, सेम, चेंज नहीं होना चाहिए। अब चाहे वो कंज्यूमर का टेस्ट हो, हैबिट हो, चाहे प्रेफरेंस हो, चाहे इनकम हो, तभी क्या है, ये लॉ अप्लीकेबल है। अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके पीछे रीज़न भी क्या है, रीज़न भी है कि कॉन्स्टेंट क्यों होना चाहिए, अगर कंज्यूमर का इनकम चेंज हो जाएगा तो उसका हैबिट भी चेंज हो जाएगा, उसका एक्सपेंडिचर, उसका टेस्ट, प्रेफरेंस सारी चीज़ें चेंज होगी, और जब वो चेंज हो जाएगी तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी लेवल जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि वो और ज़्यादा से ज़्यादा वो कंज्यूम करते जाएगा, क्योंकि वो उसका हैबिट बन गया है, ठीक है। डिविजिबिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू कब अप्लीकेबल है, जब प्रोडक्ट का डिविजिबल होगा, मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसको आप डिवाइड कर सकते हो तभी अप्लीकेबल है, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। बट रियल में पॉसिबल है क्या, नहीं है। सर कैसे, आप टीवी को डिवाइड कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, रियल में पॉसिबल नहीं है, बट आपने क्या किया, अज्यूम किया, तभी अप्लीकेबल है। सिंगल बॉन्ड्स मतलब जो कमोडिटी आप यूज़ करो उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल यूज़ होना चाहिए, मल्टीपल यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मैंगो का सिंगल यूज़ है या मल्टीपल यूज़ है, लेट मी सी कि आपको कितना समझ में आया दोनों लेक्चर से। फिर उसके बाद आता है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन विच इज़ नॉट अप्लीकेबल, और नॉट अप्लीकेबल मतलब क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी कभी ज़ीरो होगा ही नहीं, इस चीज़ को मैं प्रूफ भी कर देता हूँ आपको। क्या बोले, मैंने बोला एक्सेप्शन मतलब जो लॉ ऑफ डीएमयू पे अप्लीकेबल नहीं है, क्यों नहीं अप्लीकेबल है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कभी ज़ीरो नहीं होगा, ये सब एक्सेप्शन के केस में। पहला पॉइंट ले लेते हॉबीज़, अब मान लीजिए कि आपकी हॉबी है पेंटिंग करना, तो अब मुझे बताओ अगर दिन भर में आपने 100 पेंटिंग किया तो क्या मार्जिनल यूटिलिटी आपका ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, उल्टा आपका बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा आप पेंटिंग करोगे ईच पेंटिंग विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन, तो मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ। अगर आपको ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करने का शौक है, हॉबी है, तो आप जितना ज़्यादा ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करोगे तो उस केस में आपका मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा या बढ़ेगा,
बढ़ेगा ना, जीरो नहीं होगा ना। तो जब जीरो नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कि वो अप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सेप्शन में आता है। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा हॉबीज़ के केस में। दूसरा जो है माइजर का केस है। व्हाट इज़ माइजर? माइजर मतलब क्या होता है? कंजूस। अब कंजूस में जो है वो अब नॉर्मल के केस में आता है। अब नॉर्मल के केस में क्यों आता है? क्योंकि वो पर्सन जो है जितना ज़्यादा वो मनी सेव करेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। इट कैन नॉट बी ज़ीरो। उसका मार्जिनल यूटिलिटी लेवल एक ऐसा लेवल आएगा जहाँ पे वो ज़ीरो नहीं होगा। उल्टा जितना ज़्यादा वो सेव करते जाएगा उतना ज़्यादा उसका यूटिलिटी बढ़ते जाएगा। इसके लिए क्या होता है, वो अप्लीकेबल नहीं होता है। एडिक्शन बेसिकली ये होता है कि जैसे अल्कोहलिक है, जो स्मोकर्स है, जो एडिक्टिव है, वो केस में भी अप्लीकेबल नहीं है लॉ ऑफ डी में। क्यों नहीं अप्लीकेबल है? क्योंकि वो सभी के केस में क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं होता है। आप मान लीजिए कि अगर कोई ड्रंकार्ड है, वो पिए जा रहा है, वो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल कब तक कम होगा? क्या चाहे वो कितना भी पी ले तभी भी नहीं होगा, जब तक कि वो अब नॉर्मल या गिर ना जाए, वो पी के वो होश ना रहे तब तक वो पीते जाएगा। मतलब उसका मार्जिनल यूटिलिटी कभी ज़ीरो होगा क्या? नहीं है, नहीं होगा कभी भी। ओके, सेम केस म्यूजिक एंड पोएट्री में भी। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ डी में अप्लीकेबल इसलिए नहीं है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो नहीं होता इन केस ऑफ द म्यूजिक एंड पोएट्री में। इसलिए क्योंकि आपके मोबाइल में सेम सॉन्ग रहेगा, आप डेली वही सॉन्ग सुनते रहेंगे, उसके साथ आप रिपीट भी करते रहेंगे और उसके साथ फिर आप गाने का प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप जितनी बार उसको सुनोगे, जितनी बार आप उसको गाओगे, जितनी बार आपको याद हो जाएगा अच्छे से, उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको कम होगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, जीरो कभी भी नहीं होगा आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, है ना। तो जब हम म्यूज़िक पोएट्री जो भी सुनते हैं उसको जितना ज़्यादा हम उसको रिपीटेड सुनते हैं बार बार, उतना ज़्यादा हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बढ़ता है, ना कि कम होता है। तो इसके लिए क्या होता है, अप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ डी में क्या बोलता है, एक ऐसा लेवल आना चाहिए जहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, ज़ीरो हो। लेकिन ये सारे केसेस में मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो रहा है क्या? नहीं। तो सर अप्लीकेबल नहीं है। रीडिंग, सिंपल सी बात है, सभी को बुक रीडिंग करना पसंद नहीं है, लेकिन जिनको बुक रीडिंग करना पसंद है, मान लीजिए मुझे बुक रीडिंग करना पसंद है, तो जब मैं 10 बुक रीड कर लिया, 10वें के बाद अब जब मैं 11वीं बुक रीड करूँगा, तो क्या मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो होगा क्या? नहीं। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं एडिशनल बुक रीड करते जाऊंगा उतना मेरा नॉलेज बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा मुझे क्या होगा, सेटिस्फेक्शन मेरा लेवल बढ़ता जाएगा। तो ज़ीरो कभी भी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है, अप्लीकेबल नहीं है। फिर मनी के केस में, मनी के केस में भी अप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है आप कमेंट करके बताओ। इतना मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो कितना आपको, अगर ये आपको समझा रहेगा तो आप इसका आंसर दे दोगे, ठीक है। मैं कमेंट सेक्शन में आप सभी लोगों का आंसर्स का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। चलो अब क्रिटिसिज्म आता है। अब देखो क्रिटिसिज्म में अगर आपको पढ़ना है क्रिटिसिज्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लिमिटेशन। तो जो लॉ ऑफ डीएमयू के जो एजम्पशन है, वो जितने भी एजम्पशन है सब उसके लिमिटेशन बन जाते हैं। क्यों लिमिटेशन बन जाते हैं? क्योंकि रियल में पॉसिबल ही नहीं है ना। अब मान लीजिए अनरियलिस्टिक एजम्पशन है, जैसे होमोजेनिटी। अब आपके सामने पांचों समोसे का क्वांटिटी, साइज, कलर सब सेम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई भी कमोडिटी का नहीं हो सकता। आपके सामने पांच मैंगो रहेगा, उसका सबका कलर, टेस्ट, क्वांटिटी सब डिफरेंट होगा। पांच तरबूज आपके सामने रखा तो उसका भी डिफरेंट होगा, राइट? सेम नहीं हो सकता। तो ये अनरियलिस्टिक, वो क्या बन गया, क्रिटिसिज्म, मतलब लिमिटेशन बन गया। कार्डिनल मेजरमेंट, आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते 1, 2, 3 में, तो ये क्या बन गया, उसका लिमिटेशन बन गया। इंडिविजिबल, आप जो है कोई भी कमोडिटी को डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ कमोडिटी में कर सकते, कुछ कमोडिटी में नहीं कर सकते। कार, फ्रिज, टीवी सेट, ये सबको आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ना डिविजिबल हर कमोडिटी के केस में। तो अप्लीकेबल, तो इसका क्या बन जाता है, लिमिटेशन बन जाता है। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, उसके एजम्पशन, उसके एक्सेप्शंस। ओके, अगर आपको सिग्निफिकेंस भी पढ़ना है, मतलब उसके इम्पोर्टेंस, तो लॉ ऑफ डीएमयू जो मेनली यूज़ किया जाता है वो कंज्यूमर्स और कंजम्पशन रिलेटेड किया जाता है। तो कंज्यूमर के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, और उसका यूटिलिटी, रिसोर्सेज, कंजम्पशन डाइवर्सिफाई करने के लिए। गवर्नमेंट यूज़ करता है टैक्सेशन पॉलिसीज बनाने के लिए रिगार्डिंग जो है फार्मिंग, और भी अलग अलग टैक्सेस टाइप के यूज़ किया करते हैं। बेसिस ऑफ पैराडॉक्स वैल्यू, बेसिकली लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे
जो गुड्स है उसके वैल्यू कितना है एक्सचेंज में जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उस चीज़ों का हेल्प करता है कि किस तरीके से हमको प्रॉपर नेचुरल रिसोर्सेज और जो मैन मेड है उसको किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। ओके, क्योंकि अगर रेयर है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, अगर रेयर नहीं है तो प्राइस कम होगा, राइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा है, बेसिक लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड है इसका बेसिक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ेंगे प्राइस एंड डिमांड का कंसेप्ट, और डिमांड किसके बेस पे, कंजम्पशन के ऊपर, तो कंजम्पशन के ऊपर ये पूरा हमने सारी चीज़ें पढ़ा। ओके, तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके पहले इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी लेक्चर्स मैंने डाल दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसका नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।